गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शंकरलाल चौहान, लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, श्री श्याम पीजी महाविद्यालय की जो निःशुल्क प्रतियोगिताएं परीक्षाएं की जो क्लास सामान्य ज्ञान के संदर्भ में प्रस्तुत की जा रही हैं, तो महाविद्यालय की ओर से जो बीएससी साइंस और आर्ट्स बीकॉम ये सभी छात्रों के लिए प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान विज्ञान के संदर्भ के अंतर्गत जो निःशुल्क क्लासें संचालित की जा रही हैं, उनके संदर्भ में जो राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण अध्याय शामिल किए जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत जो आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं परीक्षाएं हैं, जो अधीनस्थ चयन बोर्ड और राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती हैं, उसमें राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक जो सामान्य ज्ञान होता है उसकी जानकारी अवश्य पूछी जाती है। उसके संदर्भ में जिस प्रकार जैसे रीट की जो प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा है, रीट पटवार परीक्षाएं हैं, छात्रावास पर्यवेक्षक हैं, कृषि पर्यवेक्षक है और सभी प्रकार की अनेक जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं के संदर्भ में राजस्थान के सामान्य ज्ञान का जो जीके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के रूप में पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और महाविद्यालय के द्वारा छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क कक्षाओं का जो संचालन किया जा रहा है, वो छात्रों के भविष्य के हित को ध्यान में रखते हुए इनके संदर्भ के अंतर्गत प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की भी साथ साथ तैयारी होती रहे। तो इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि राजस्थान की राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब राजस्थान की हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो राजस्थान के जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत हमारे शासन व्यवस्था के संदर्भ में पूछा जाता है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था आती है उसका जो सर्वोच्च स्तर होता है सरकार, इस सरकार के संदर्भ के अंतर्गत पूछा जाता है। तो विशेषकर ये राज्य सरकार है, इसके संदर्भ में राजस्थान की जो राज्य सरकार है इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो राजस्थान की जो राज्य सरकार है उसको हम सामान्यतः ये देखते हैं कि राज्य सरकार के संदर्भ के अंतर्गत जो सरकार का जो प्रांतीय जो ढांचा है, उस प्रांतीय ढांचे के अंतर्गत विशेषकर हम देखेंगे कि एक नंबर पर जो व्यवस्था आती है उसको हम देखते हैं कि प्रांतीय कार्यपालिका आती है। और प्रांतीय जो कार्यपालिका आती है उसमें राज्य स्तर पर ये प्रांतीय कार्यपालिका क्या होती है। तो देखिए, हम इस राजनीतिक और प्रशासनिक का जो सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम कार्यपालिका के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान की कार्यपालिका में राज्यपाल मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद इसका अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से हम कार्यपालिका के संदर्भ में, अगर राजनीतिक कार्यपालिका है तो राजनीतिक कार्यपालिका में हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अध्ययन करते हैं, और साथ में इनके जो क्या क्या होती है, इनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इनका जो निर्वाचन है, इनकी शक्तियां हैं, इनके शक्तियों पर जो नियंत्रण किया जाता है वो कार्य हैं, इनकी जो विकेंद्रीकरण व्यवस्थाएं हैं इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और विशेषकर ये मंत्रिपरिषद है तो मंत्रिपरिषद में हम उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं। ये संरचना के अंतर्गत उसका जो कार्य है कि वो क्या क्या कार्य है, कैसे कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो हम राजस्थान की जो कार्यपालिका है तो उसके संदर्भ में राज्यपालों का शुरू से लेकर के और वर्तमान तक इसमें कौन कौन से क्या हुए हैं, संशोधन अधिनियमों के तहत संशोधन हुए हैं, ये राज्यपाल कौन कौन बने हैं, मनोनीत कौन से हैं और इनके किस किस समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। साथ साथ में इनके निर्वाचन के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, कहाँ से अपनाई जाती है, इसका संघ से क्या संबंध होता है, इसके साथ साथ संघ में संबंध और जो केंद्र का जो प्रतिनिधित्व है इस संघवाद की प्रवृत्ति में कैसे अपना मुख्य योगदान देता है, तो इसके संदर्भ में हम ये देखेंगे। तो साथ में ये जो मुख्यमंत्री है, इस मुख्यमंत्री का निर्वाचन कैसे किया जाता है, आज तक जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन से मुख्यमंत्री बने, कौन कौन से कार्यकाल महत्वपूर्ण रहे, किनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा और किनका कार्यकाल सबसे न्यूनतम रहा, ये सारी महत्वपूर्ण बातें और इसके पास में कौन कौन से पावर होते हैं इसका अध्ययन हम इसके संदर्भ में करेंगे। और कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो कार्यपालिका के संदर्भ के अंतर्गत और इस राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संदर्भ में अवश्य प्रश्न पूछा जाता है। मंत्रिपरिषद की जो संरचना है वो कैसे बनती है, वो कैसे काम करती है, इसके संदर्भ में हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और साथ साथ के अंतर्गत ये जो कार्यपालिका है एक प्रकार की राजनीतिक कार्यपालिका हो गई। ये जो कार्यपालिका होती है वो राजनीतिक कार्यपालिका है और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि जनता के द्वारा जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे कि जनता उसका निर्वाचन कैसे क्या कर रही है। अब कार्यपालिका का जो दूसरा स्टेज है वो हम देख रहे हैं, जैसे इसके अंतर्गत विशेष रूप से हैं महाधिवक्ता, इसके अंतर्गत महाधिवक्ता और इसके साथ साथ में इसका प्रशासनिक ढांचा भी देखेंगे। इसका प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रशासनिक व्यवस्था को हम किसके संदर्भ में देखेंगे, केवल प्रशासनिक दृष्टि से। ये प्रशासनिक दृष्टि क्या है, ये प्रशासनिक दृष्टि है कि ये जो स्थायी कार्यपालिका है जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो प्रशासन की दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसको राज्य स्तर से फिर इसको हम देखेंगे संभाग स्तर पर, फिर संभाग स्तर के बाद हम देखेंगे इसको जिला स्तर पर, और जिला स्तर के बाद में हम देखेंगे इसको पंचायत स्तर पर। ये जो प्रशासनिक जो विभाग है और इसका जो नियंत्रण है उसका हम विकेंद्रीकरण को इस प्रकार में इसमें अध्ययन करेंगे। तो इस कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्य की इस कार्यपालिका में इसका वर्णन करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे दो नंबर पर व्यवस्थापिका, राज्य की व्यवस्थापिका के अंतर्गत हम विधान मंडलों का अध्ययन करेंगे।
विधानमंडल। किसका अध्ययन करेंगे? विधानमंडल का। और इस विधानमंडल में विशेषकर से ये देखेंगे कि इसके जो दो सदन हैं, एक नंबर पर विधानसभा और दो नंबर पर विधान परिषद, विधान परिषद। तो प्रिय छात्रों, इस जिस प्रकार सरकार के संदर्भ में हमने इसके विशेष जानकारी प्राप्त सिलेबस के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं, तो व्यवस्थापिका में हम विधानमंडल का दोनों का संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे। विधान परिषद जैसे कि हमारा संघीय ढांचा है वैसे ही प्रांतीय ढांचा है, और विधानसभाएं विशेषकर सभी हमारे जो प्रांतीय सरकारें हैं उनके अंतर्गत कहीं पर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है तो कहीं पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। विशेषकर जो हमारे सात विधान सात राज्य हैं, विशेषकर जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक है और वहाँ पर अति संवेदनशील है, वहाँ पर विधानमंडल का गठन किया गया है। जी हाँ, विधानमंडल के अंतर्गत जो दूसरा सदन है विधान परिषद, इसके गठन की प्रक्रिया को भी हम समझेंगे। तो विशेषकर इस विधानमंडल के अंतर्गत हम समझेंगे कि इनका जो गठन होता है ये ऐसे कैसे होता है, ये काम करने की जो प्रक्रिया है, इसकी कार्य है इसका देखेंगे, इसके पास में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इसका अध्ययन किया जाएगा। तो विशेषकर विधानमंडल के गठन, कार्य, शक्तियाँ और इसका कार्यपालिका के साथ में संबंध, कार्यपालिका, कार्यपालिका के साथ संबंध, इस संबंध का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए इसके अंतर्गत विशेष रूप से हम देखेंगे कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो विधानमंडल हैं, ये विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दे रखे हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित करती है। तो हम राज्य के संदर्भ में ये देखेंगे इनकी सदस्य संख्या है, इनकी योग्यताएं हैं, सदस्य इनकी विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं हैं, इसका पद है, इसके संदर्भ में देखेंगे। तो जैसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, इसके पास विधान परिषद में सभापति है, तो इन सबके जो निर्वाचन है, इनके कार्य और शक्तियाँ हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो महत्वपूर्ण अध्याय होगा, और आज तक कौन कौन सी विधानसभाएँ कितनी संचालित हो चुकी हैं, कितने को भंग किया जा चुका है और भंग कैसे किया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं हम इस संदर्भ के अंतर्गत देखेंगे। और तीसरा होता है न्यायपालिका। सरकार का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राज्य राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय। न्यायपालिका में हम पढ़ेंगे राजस्थान का उच्च न्यायालय। तो इसकी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसका गठन कैसे हुआ था, कौन सी कमेटी बनी थी, इसका पहला जो न्यायाधीश बना वो कौन था, अब तक कितने न्यायाधीश बन चुके हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इसमें कौन सी शासन व्यवस्था है, तो इनका सबका जो प्रशासनिक जो ढांचा है, ये जो सारा प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो राजनीतिक और दूसरी प्रशासनिक दोनों व्यवस्थाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसके संदर्भ में देखेंगे, तो हम इसके अंतर्गत विशेषकर राजस्थान उच्च न्यायालय है, फिर इसके बाद में उच्च न्यायालय के इनके जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की योग्यता, योग्यताएं, नियुक्ति, इनकी योग्यता, नियुक्ति और क्षेत्राधिकार,
क्षेत्राधिकार, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ इसका जो अध्ययन है ये अध्ययन, और उसके बाद में जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय और इसके महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रिय छात्रों, ये हमारी सरकार है। इस सरकार में हमने देखा कि सरकार के अंदर तीन तत्व होते हैं। इस सरकार के क्या हैं? तीन अंग हैं। विशेषकर इसके अंतर्गत सब में जुड़ी हुई है राज्यपाल। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम विशेषकर तीनों में विशेषकर इसको राज्यपाल के संदर्भ में देखकर के अध्ययन करेंगे। राज्य सरकार और उसके साथ में अभिन्न अंग कौन बना हुआ है? राज्यपाल। तो इस सरकार के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था होगी। कार्यपालिका के अंतर्गत जो यहाँ की जो राजनीतिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका में के अंदर जो शासन की जो संरचना है उसका वर्गीकरण, उसके साथ साथ में जो प्रशासन साथ तालमेल बैठाता है उसका अध्ययन करेंगे। राज्य स्तर पर देखेंगे मुख्य सचिव, संभाग स्तर पर मुख्य संभाग, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, पंचायत स्तर पर विकास अधिकारी, इसका प्रशासन साथ साथ में, इसके साथ साथ में जैसे राज्य का प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री, संभाग का मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री और संभाग के आयुक्त, इनके बीच में कैसे तालमेल होता है, इसके पास में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से अधिकार होते हैं, ये काम करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ये सारे संचालन की व्यवस्थाओं को हम देखेंगे। तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कहीं भी अगर काम होता है तो इसके संदर्भ में हमें विशेषकर जानकारी पूछी जाती है। तो विद्यार्थी विशेष रूप से ये ध्यान दें कि जो प्रश्न आएगा आपका, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई भी प्रश्न आता है तो प्रश्न हमें ये पूछता है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध पूछेगा, कौन कौन से राज्यपाल ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए, साथ साथ के अंतर्गत मुख्यमंत्री के संदर्भ में, और इसके संदर्भ में भी देखा जाएगा राज्यपाल का विधानमंडल में भूमिका, राज्यपाल की विधानसभा में भूमिका, राज्यपाल की विधान परिषद में भूमिका, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री का विधानसभा से संबंध, मुख्यमंत्री का विधान परिषद से संबंध, मंत्रिपरिषद और विधानसभा, मंत्रिपरिषद और विधान परिषद। ये यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि भारत के अंतर्गत विशेषकर संसदात्मक शासन प्रणाली का संघीय ढांचा है। हमारे देश की शासन व्यवस्था है संसदात्मक की संघात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक की संघात्मक शासन प्रणाली होने के नाते इनके इस स्वरूप का अध्ययन विशेषकर इनके साथ में जोड़कर के अध्ययन के रूप में शामिल किया जाएगा। तो ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इसको सामान्य ज्ञान के संदर्भ में हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ में हम आगे देखते हैं, ये तो हो गया इसका शासन का प्रारूप। ये शासन का प्रारूप के साथ साथ में ये प्रशासनिक व्यवस्था भी आ गई। यहाँ पर देख रहा है राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों को संदर्भ में लेकर के चलेंगे। इसके साथ साथ में चार नंबर पर है, हम अभी तक आपको इसका केवल सिलेबस बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि इस जो राजस्थान के संदर्भ में ये कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अच्छी तरह से इसको क्या कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है प्रश्न सिलेबस में से ही पूछ लिया जाता है। आपको पूछा है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो पूछा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राज्य की विधानमंडल में क्या आता है,
राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। यहां पर हमने क्या देखा, सरकार को राज्यपाल के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहां पर क्या जुड़ेगा, राज्यपाल और विधानमंडल, राज्यपाल और उसका विधानमंडल, ये राज्य की व्यवस्था पिका है। न्यायपालिका में राज्यपाल और उसका उच्च न्यायालय, इसके संदर्भ में देखेंगे। अब सरकार के बाद में हम पढ़ेंगे उसका तीसरा विभाजन है, उसको हम पढ़ेंगे राजस्थान में पंचायत राज। राजस्थान में स्थानीय शासन, राजस्थान में स्थानीय शासन के, इसको हम कहते हैं पंचायत राज अधिनियम 1993, इसको पढ़ेंगे। विशेषकर स्थानीय शासन की जितनी भी जो ये जो पंचायत राज के विषय हैं, इन पंचायत राज के विषयों के संदर्भ के अंतर्गत जो अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्थानीय जो सेवाएं हैं, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, वो स्थानीय स्वशासन में काम करती हैं, और स्थानीय स्वशासन समिति के अंतर्गत हम इस पंचायत राज अधिनियम का अध्ययन करेंगे। और पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत इसको हम क्या किया है, दो भागों में बांटा है। एक नंबर तो है तेतरवा संविधान संशोधन, ये हुआ 1993 में। अब राजस्थान में जो ये 73वां संविधान संशोधन, जिसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ है, तो ये 73वां जो संविधान संशोधन है वो है ग्रामीण स्वशासन से संदर्भित। ये ग्रामीण स्वशासन को जो संवैधानिक मान्यता प्रदान की है, उसके संदर्भ में अध्ययन किया गया है। तो ग्रामीण स्वशासन शासन के अंतर्गत जो बलवंत राय मेहता समिति है, कौन सी है, बलवंत राय मेहता, इस समिति के संदर्भ में, मेहता समिति, इस समिति के संदर्भ में पूछा जाता है। कई बार तो इसका नाम ही पूछ लिया जाता है, कई बार इसको शॉर्ट में कर दिया जाता है बलवंत राय, तो बलवंत राय की जगह कर दिया जाए इसको अंग्रेजी में बीएम समिति बोल देते हैं, और लोग जल्दीबाजी के अंतर्गत बीएम समिति को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ग्रामीण इस जो 73वां संविधान संशोधन है, उस बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी, उस समिति के अंतर्गत, और इस समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1957 में, और 1957 के अंतर्गत जो इसने क्या दिया, त्रिस्तरीय ढांचा दिया है।
क्या दिया है? त्रिस्तरीय ढांचा दिया है। इस त्रिस्तरीय ढांचा के संदर्भ में पढ़ेंगे हम। ये देखेंगे कि बलवंत मेहता राय समिति ने जो क्या दिया था, जो सुझाव दिया था, जो सिफारिश की थी, और सिफारिश के आधार पर क्या किया, जो 73वां संविधान संशोधन किया 1993 के अंतर्गत है, और इसके अंतर्गत जो पंचायत राज अधिनियम है इसको मान्यता प्रदान की थी, और उसी के तहत हमारे सभी राज्यों में स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, किसने इसका सुझाव दिया था, क्या इसका ढांचा है, इसके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, तो ये जो समितियां हैं, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे देखिए इसकी निर्वाचन, एक तो इसका जो राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा है, राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का अध्ययन करेंगे। इस राजनीतिक प्रशासनिक के अंतर्गत मतलब जिला स्तर पर सबसे राजनीति का सबसे जिला स्तर पर कौन है, विधायक, जिसको हम MLA बोल रहे हैं, जिसको जो उस जिला स्तर पर जितने क्या आ रहे हैं विधायक आ रहे हैं उसके संदर्भ में, जो जिला प्रमुख है जिला स्तर पर जिला प्रमुख है, विधायक है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, ये सारे ये प्रशासनिक दृष्टि के अंतर्गत आएंगे। प्रशासनिक दृष्टि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, उस क्षेत्र से चुना हुआ विधायक है, उस जिले का जिला प्रमुख है, उस क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए MLA हैं, विधायक और MP जिसको हम सांसद कह रहे हैं। तो इसके राजनीतिक संदर्भ के अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन कौन होंगे, MP हैं जिसको हम सांसद बोल रहे हैं, MLA है, विधायक है, जिला प्रमुख है, प्रधान है, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, ये क्या है राजनीतिक ढांचे में आएंगे। और प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत विशेष रूप से इसका प्रशासनिक अधिकारी जिले का जिला कलेक्टर जिसको जिलाधीश कह रहे हैं, इसके साथ साथ जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं इसके अधीनस्थ अतिरिक्त जिला कलेक्टर है, इसके साथ साथ इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत SDM है, विकास अधिकारी है, खंड विकास अधिकारी है, ये सारे क्या आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो जिला स्तर पर जिला प्रमुख, इसका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। तो इस ढांचे के अंतर्गत जैसे इसकी गठन निर्वाचन शक्ति इनका अध्ययन किया जाता है। भारतीय संविधान में इसका क्या क्या प्रावधान किया है, कौन कौन सी सूचियां डाली गई है, ग्रामीण स्वशासन के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं, इनके निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, इनके वित्त व्यवस्था क्या है, इनकी राजस्व की व्यवस्था क्या है, ये सारी व्यवस्थाएं हम 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद में आता है दो नंबर पर आता है 74वां संविधान संशोधन। ये 74वां जो संविधान संशोधन है ये भी हुआ था इसी के साथ साथ 1993 में, और इसके अंतर्गत क्या है, ये नगरीय शासन के संदर्भ में है, ये नगरीय शासन है, ये ग्रामीण स्वशासन है, इसके संदर्भ के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और इसकी जो सिफारिश दी थी वो दी थी अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति क्या है और इसका गठन कब किया गया था, और अशोक मेहता जो समिति है उसके अंतर्गत विशेष रूप से ये कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो इसका हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। और इसने जो त्रिस्तरीय ढांचा दिया था,
इसने क्या दिया? त्रिस्तरीय ढांचा। इसका त्रिस्तरीय ढांचा, ये त्रिस्तरीय ढांचा दिया है, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और इसके ने भी त्रिस्तरीय जो ढांचा है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर है, जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय ढांचे के अंतर्गत जिनकी जनसंख्या क्या है, अधिक है, मतलब 10 लाख से ऊपर है नगर निगम, और उसके बाद में 5 लाख से 5 लाख तक है वहाँ पर नगर परिषद, और फिर की 5 लाख से कम है उसकी संख्या क्या है, नगर पालिकाओं के संदर्भ में, तो उसको भी 3 संदर्भ में बांटा गया है। तो वहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे है उसका अध्ययन करेंगे। ये जो अध्ययन कहलाएगा, इस अध्ययन को हम कहेंगे प्रशासनिक, इसको प्रशासनिक जो स्थानीय स्तर पर है इसको कहेंगे हम स्थानीय ढांचा। और स्थानीय ढांचा हमारी जो अधीनस्थ बोर्ड की जो परीक्षाएं आती हैं, जिनका मूल विषय होता है पंचायत राज से संबंधित, कि पंचायत राज के अंतर्गत किस किस विषयों के अंतर्गत कौन कौन से कार्य क्षेत्र दिए गए हैं और उनमें कैसे कैसे कार्य किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था पंचायत राज के संदर्भ में, ये भी हमारे इस विषय का सबसे बड़ा मूल आधार रहेगा। अब एक रूप से तो हमने उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जोड़ करके देखा, और दूसरे नंबर पर हमने देख रहे हैं इस राजनीतिक संदर्भ के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक नंबर पर तो हमने देखा था इसको स्थानीय स्तर पर, इसको संवैधानिक संरक्षण की प्रावधानों का अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किया गया है, ये संदर्भ देखेंगे। और आगे का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। ये राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में हम आगे का जो बिंदु देखेंगे उसके अंतर्गत राज्य के संदर्भ में देखेंगे। किसके संदर्भ में? राज्य के संदर्भ में। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है शासन सचिवालय, जहां पर पूरे राज्य से क्या किया जाए, पूरे राज्य के लिए कानूनों का क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, उसका संचालन किया जाता है, उनको क्रियान्वयन किया जाता है, प्रशासन पर नियंत्रण रखने का जो काम किया जाता है, जो प्रशासनिक कार्यालय है उसको हम कहते हैं शासन सचिवालय। और शासन सचिवालय के अंतर्गत पूरे प्रशासन को नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है, और इसके अंतर्गत जो मुख्य जो अधिकारी हैं, जैसे मुख्य सचिव है, राज्य का सर्वोच्च जो प्रशासनिक जो अधिकारी होता है उसको कहते हैं मुख्य सचिव। और ये मुख्य सचिव के कार्य क्षेत्र, इसकी नियुक्ति ये देखेंगे, और उसके बाद में इसका जो अधीनस्थ होता है वो देखेंगे हम संभागीय। ये राज्य स्तर पर है, और मुख्य सचिव किनको देता है आदेश? संभागीय आयुक्त। ये मुख्य सचिव के बाद में ये पूरे राज्य में, इसके बाद में संभाग के अंतर्गत क्या होगा? संभागीय आयुक्त। और संभागीय आयुक्त के बाद में होता है जिला प्रशासन होता है। और जिला प्रशासन के बाद के अंतर्गत होता है हमारी जो पुलिस प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन के संदर्भ में पढ़ेंगे, और पुलिस प्रशासन के बाद में जो लोकायुक्त और महालेखायुक्त है, लोकायुक्त और राज्य का महालेखाकार। तो यहां पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, देखिए यहां पर हम जो अध्ययन कर रहे हैं, इस अध्ययन को विशेषकर
परीक्षा के अंतर्गत हमारे को सचिवालय के संदर्भ में और सचिवालय में कौन कौन से अधिकारी कैसे कैसे नियंत्रण करेंगे, राज्य पूरी प्रशासन को जो नियंत्रण करने वाला है, संचालित करने वाला है, मुख्य सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव है। फिर संभाग स्तर पर संभागीय स्तर पर है, जिला स्तर पर जिला प्रशासन है, पंचायत स्तर पर पंचायत प्रशासन है, समझ गए। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं और ये किस किस प्रकार से हमारे को क्या कर रहे हैं, सेवाओं को संचालित करने का कार्य करते हैं। तो ये तो प्रशासनिक व्यवस्था हो गई। और जो शांति और जो सुरक्षा व्यवस्था है, शांति और सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की क्या करेंगे हम, जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था है उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, राज्य के स्तर पर मुख्य राज्य स्तर पर, फिर राज्य के बाद में संभागीय स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर पंचायत स्तर पर। जैसे मुख्य सचिव होता है वैसे यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो महानिदेशक होता है। महानिदेशक संभागीय आयुक्त के बाद में यहाँ का जो पुलिस प्रशासन का, इस प्रकार से जो जैसे नीति निर्देशक देते हैं उसके आधार पर इसका जो विकेंद्रीकरण व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हम हमारे इस सिलेबस के अंतर्गत इस प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे और एक एक विशेषकर विस्तार से हम उसका वर्णन करेंगे। उसके बाद में होती है लोक सेवाएं। तो हम देखें, एक नंबर पर हमने देखा राजनीतिक सरकार के संदर्भ में, सरकार के जो तीन अंग होते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के संदर्भ में, और वो कहाँ कैसे किस रूप में काम कर रहे हैं और उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था स्थानीय स्तर के संदर्भ में है और स्थानीय संदर्भ के अंदर जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत कोई भी परीक्षा हो इसमें से प्रश्न जरूर आता है। प्रशासनिक व्यवस्था है, ये प्रशासनिक व्यवस्था सरकार से जुड़ कर के कैसे काम करती है ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और हम इसके संदर्भ में सामान्य ज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे कि विशेषकर जो परीक्षाओं का जो आयोजन करता है, विशेष जो आयोग है जो सरकार के द्वारा नियुक्तियों और भर्ती प्रक्रियाओं को जो क्या करते हैं, संचालित करते हैं, वो कौन कौन से आयोग हैं उसके संदर्भ में करेंगे। तो देखिए अभी हम आपको इस सिलेबस के संदर्भ में पढ़ा रहे हैं कि ये प्रशासनिक और व्यवस्थाएं क्या क्या हैं। आप इसका भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सिलेबस के अनुसार हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि स्थानीय शासन और प्रशासन के बाद में जो ये सेवाओं का जो क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, भर्ती प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जो आयोग गठित किए गए हैं वो किस किस रूप में हैं। तो देखिए हम देखेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC। हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे, इसका गठन कब हुआ, कौन सी कमेटी बनी, पहला अध्यक्ष कौन था, कितने सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कैसे होता है,
कितना कार्यकाल होता है, इनको अपने पदों से कैसे हटाया जा सकता है, ये सारी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उसका हम इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये सामान्य परिचय आपको ये बताएगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया है, इसके संदर्भ में इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत देखेंगे कौन कौन सी भर्ती परीक्षाओं का अंजाम देता है, और भर्ती परीक्षाओं के संदर्भ में ये जो दूसरे जो आयोग हैं संघ लोक सेवा आयोग उससे क्या संबंध रखता है, तो इसके संदर्भ में भी विशेषकर क्या किया जाएगा हम अध्ययन करेंगे। साथ साथ में हम देखेंगे अधीनस्थ चयन बोर्ड, अधीनस्थ अधीनस्थ चयन बोर्ड, अधीनस्थ चयन बोर्ड है, इनके संदर्भ में हम क्या करेंगे अध्ययन करेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है, पहला अध्यक्ष कौन था और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके संदर्भ के अंतर्गत विशेष रूप से क्या किया जाएगा अध्ययन किया जाएगा। और साथ साथ में ये जो आयोग हैं इन आयोगों का विशेषकर जिसके संदर्भ में हम आरपीएससी करते हैं तो उसके संदर्भ में राजस्थान के संदर्भ में है ये बातें, लेकिन इनका जो अन्य आयोग से संघीय आयोग है इनका संघीय आयोगों के साथ में संबंध, संघीय आयोग और संघीय आयोग विशेषकर कौन सा है बताइए, ये है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, ये है संघीय आयोगों का संबंध यूपीएससी, इसके साथ में भी हम इसका क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। तो विशेषकर आयोग के संदर्भ में पढ़ेंगे संघीय आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके अलावा मानवाधिकार आयोग, हम देखेंगे मानवाधिकार आयोग क्या होता है, संविधान में इनके कौन क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, ये सर्वप्रथम अस्तित्व में कब आया था, आज तक इसके अध्यक्ष कौन कौन बने हैं, इसका सर्वाधिक चर्चित और विवादास्पद या महत्वपूर्ण अध्यक्षों का कार्यकाल कौन सा रहा, इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि मानवाधिकार आयोग है ये मानवाधिकार आयोग दो संदर्भ के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो आयोग बनेगा वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है और जो प्रांतीय स्तर पर है वो राज्य मानवाधिकार है, ये दोनों स्तर पर देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इन आयोगों का अध्ययन किया जाएगा, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इनके पास में कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, ये महत्वपूर्ण क्या कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं इनको हम इस अध्ययन दृष्टि में देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग, क्या देखेंगे निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग, अब निर्वाचन आयोग का भी अध्ययन हम दो रूपों में करेंगे, एक तो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग जिसको हम कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, इन दोनों का यहां पर हमने इसका सामान्य परिचय देखा, यहां पर इनका भी सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय में राज्य निर्वाचन आयोग ये केंद्रीय स्तर के निर्वाचन के कार्यों का संपादन करता है, इसके आयोग में कितने सदस्य होते हैं, इसके आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं
महत्वपूर्ण जो पद है, सर्वोच्च पद है, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त, ये अब तक कितने बने? पहला कौन सा था, वर्तमान में कौन सा है, इनकी नियुक्ति के प्रावधान क्या हैं, इसके संदर्भ में भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसका सामान्य परिचय देखेंगे। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अध्ययन किया जाएगा और वो ही है तो इसके अंतर्गत विशेष रूप से क्या देखा जाएगा इनका, इनका है संगठन, संगठन निर्वाचन, इनकी क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कौन कौन से राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन हुआ है, ये परिसीमन आयोग इसके संदर्भ में, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम इस सामान्य जानकारी का अध्ययन करेंगे और इनका सामान्य परिचय के साथ साथ में जो विशेष जो कठिनाई युक्त प्रश्न है उसका भी हम इस सिलेबस के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ में है कि वित्त आयोग, उसके बाद में निर्वाचन आयोग के बाद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। वित्त आयोग कितने समय में कौन गठित करता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी शर्तें होती है, इसका अध्ययन किया जाएगा। साथ साथ में राष्ट्रीय वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग क्या है, इनका कार्यकाल कितना है, इनके कितने सदस्य होते हैं, कौन नियुक्त करता है, कैसे नियुक्त करता है, ये सारी बातों का सामान्य परिचय हम इस अध्याय के अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद में है महिला आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, ये महिलाओं का जो सशक्तिकरण करने का कार्य और महिला उत्पीड़न अत्याचार जो दमन होता है उसकी बातों को, उनके मौलिक अधिकारों को, उनके अत्याचार को मुक्त करने की जो एक सशक्तिकरण का जो माध्यम बना है उसको महिला आयोग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम इसकी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने इस अध्याय के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत काम करने वाले जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आयोग हैं, कौन है, महत्वपूर्ण आयोग हैं, इन आयोगों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जो आयोग हैं वो महत्वपूर्ण आयोग जिनके अंतर्गत जैसे चयन बोर्ड, चयन बोर्ड है भर्ती परीक्षाओं का कराने वाला है, आरपीएससी और यूपीएससी केंद्र स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर क्या होता है यूपीएससी और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, और इसके साथ साथ में दो महत्वपूर्ण जो विशेष संरक्षण और संस्थान दिए गए हैं उनका भी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो ये आयोग हो गए, इन का आयोग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आगे का जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बाद में हम तीसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, एक नंबर पर था सरकार का, दो नंबर पर था आयोग का और तीन नंबर पर है जो विशेषकर अधिनियम बने हैं। अधिनियम के अंतर्गत हम देखेंगे, अधिनियम के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले अधिनियम देखा है हमने सूचना का अधिकार, सूचना, सूचना का अधिकार,
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये जो अधिनियम है इसको हम विशेष कर अध्ययन करेंगे, क्योंकि हर एक परीक्षा के अंतर्गत ये जो सूचना का जो अधिकार है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, इस अधिकार का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, इसके अंतर देखेंगे इसका सामान्य परिचय। इसका क्या देखा, सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सामान्य परिचय में देखेंगे कि सूचना का जो अधिकार है वो अपने अस्तित्व में कैसे आया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन सी सरकार ने इस अधिनियम का निर्माण किया, सूचना आयोग के लिए कौन कौन से अधिकारी निश्चित किए गए हैं, हम कितने दिनों पर सूचना ले सकते हैं, और सूचना के संबंध के अंतर्गत जो आयोग हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय स्तर पर क्या बनाए गए हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और दो नंबर पर है राज्य सूचना आयोग। ये जो दो आयोग हैं, इन आयोग के संदर्भ में भी क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। और इस प्रकार ये जो आयोग हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से विषय सूचना के देने के हैं, कौन कौन से सूचना देने के नहीं हैं, ये विशेषकर जानकारी हम इस अध्याय के संदर्भ में पढ़ेंगे। और वर्तमान में जो सूचना का जो अधिकार है, वो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो जनता का जो महत्वपूर्ण हथियार है, कि जिसको जनता के द्वारा भी प्रशासन पर जो नियंत्रण करने का काम है, उसको इस की जो जागरूकता है, उसका जो शिक्षा में, और विशेषकर इसको जो राज्य के संदर्भ में पूछा जाता है, तो ये इसके बारे में इसकी जानकारी होगी। ये अधिनियम है। और दूसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा आगे का है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे, उसके सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। ये सामान्य परिचय, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या होता है, ये कैसे शुरू हुआ, ये इसके पहले अतीत क्या था, उसके बाद में सरकार ने इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान जोड़े, ये अधिनियम जो जनता के उपभोक्ताओं को कौन कौन से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति उपभोक्ता माने जाएंगे, इन उपभोक्ताओं के क्या हैं कर्तव्य, क्या हैं उपभोक्ता के कर्तव्य, क्या हैं इस अधिकार के संदर्भ में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्रदान कर रहा है, समझ रहे, इस अधिकार के संदर्भ में हम देखेंगे कि इसके लिए जो उपभोक्ता की शिकायतों का जो निवारण है, शिकायतों का निवारण कैसे करता है, इसका जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन है, इसके जो संगठन है उनके जो स्तर हैं वो स्तर कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है और राज्य स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर इसके क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सारी बातें हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के माध्यम से देखेंगे। और इसकी जो शिकायतें हैं, समाधान हैं, सुझाव हैं, कमेटी हैं,
ये जो जितने भी जो संरक्षण के दिए गए जो प्रयास हैं उसका अध्ययन करेंगे। साथ साथ में हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता के शोषण को कैसे बचाया जा सकता है, शोषण को बचाने के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए हैं वो कौन कौन से हैं। इसके साथ हम ये देखेंगे कि ये जो उपभोक्ता का जो शोषण है उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन कौन सी कमेटियों का गठन किया है। इसके लिए जो वस्तुओं की जो वस्तुओं के जो मानक चिन्ह हैं, वस्तु या माल, इसका जो मानक चिन्ह है वो मानक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, मानक चिन्ह इसके बारे में भी हम क्या करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे और इनकी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा विषय वस्तु है। इसके साथ साथ में राजस्थान का जो विशेषकर प्रशासनिक जो क्या है, प्रशासनिक जो ढांचा है, विशेषकर प्रशासनिक जो राजस्थान का प्रशासनिक व्यवहार है, प्रशासनिक व्यवहार, ये जो प्रशासनिक व्यवहार है, ये प्रशासनिक जो व्यवहार है उसके लिए कुछ आयोग गठित किए गए हैं जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे लोक नीति, लोक नीति, विधिक सलाहकार, इसके अलावा क्या है, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार, इसके साथ साथ के अंतर्गत अगला है नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक अधिकार पत्र। तो इसके अंतर्गत हम विशेषकर हम इनका सामान्य परिचय देखेंगे राज्य के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवहार है और ये प्रशासनिक व्यवहार है लोक नीति संबंध में। राज्य के अंतर्गत जो प्रशासन है, जो हमारी जो शासन है वो लोक नीति कैसे निर्धारित करती है, कौन कौन से अधिनियमों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, ये विधिक अधिकार, विधिक अधिकार के अंतर्गत विधि के संबंध में अधिकार प्रदान है, इनका हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे और इस प्रकार हम इस राजस्थान के प्रशासनिक में हमने विशेषकर तीन महत्वपूर्ण देखे इस राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में। एक तो हम सरकार के संदर्भ में पढ़ेंगे, एक तो हम सरकार के राज्य सरकार के संदर्भ में पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम आयोगों के संदर्भ में और तीसरा है अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम। ये तीन बातें हमारे सिलेबस की मुख्य विषय वस्तु रहेगी। इसके अंतर्गत राज्य सरकार के संदर्भ में पढ़ेंगे, ये राज्य के विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं उनके संदर्भ में पढ़ेंगे, राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो अधिनियम कौन कौन से हैं, सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, एक तो इसके अंतर्गत दो अधिकार हैं विशेष रूप से, एक तो है RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, एक है RTE राइट टू एजुकेशन और एक है उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये तीन अधिनियम हैं जो महत्वपूर्ण माने गए हैं और ये क्या हैं, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं और इसी का ही क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो हमने आज राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे में जो हर परीक्षा के अंतर्गत, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, जो परीक्षा किस स्तर पर, RS राजस्थान की जो सर्वोच्च परीक्षा है प्रशासनिक सेवा, जिसके अंतर्गत RS वगैरह है, हम आपको इधर थोड़ा सा इसके संदर्भ में आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम देखेंगे कि ये प्रशासनिक सेवाओं में कौन कौन से परीक्षाओं के अंतर्गत काम आने वाली चीजें हैं।
अब आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस हमारी किन किन परीक्षाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो हम आपको ये बता दें कि ये जो अपना जो सिलेबस है ये विषय है, ये विषय किन किन परीक्षाओं को जोड़ेगा, किन किन परीक्षाओं के। तो आपको बता दें कि राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जो भी परीक्षाएं हैं, राजस्थान की जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक जो सेवाएं हैं इन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में, इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में। अब ये प्रशासनिक सेवाएं प्रतियोगिता परीक्षाएं कौन किसके संदर्भ में, सबसे सर्वोच्च स्तर की जो परीक्षाएं होती है जिसको हम कहते हैं आरएएस परीक्षा, जो राजस्थान की जो प्रशासनिक जो सेवा है, सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है वो, राज्य स्तर की जो सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा है वो आरएएस के संदर्भ में। इसके जो दूसरी रैंक होगी वो आरपीएस राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान के संदर्भ की जो भी परीक्षा है आरजेएस राजस्थान जुडिशियली सर्विस राजस्थान, तो ये कौन सी है, राजस्थान प्रशासनिक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, राजस्थान राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, ये इन क्षेत्रों की सर्वोच्च सेवाएं हैं। और इस सर्वोच्च सेवाओं के संदर्भ के अंतर्गत क्या है नीचे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, विशेषकर इसका जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी है, आरएस आरपीएस आरजेएस, इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो सेवाएं, आरएस इससे प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हुई और भी जो परीक्षाएं हैं विशेषकर, हम सबसे पहले प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं, इस प्रशासनिक सेवा के अलावा और भी जितने भी जो परीक्षाएं हैं विशेषकर, तो जो प्रशासन राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं इसके संदर्भ में, तो विशेषकर एक नंबर पर देखिए शिक्षक भर्ती। अब शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जैसे फर्स्ट ग्रेड जिसको हम कह रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा में राजस्थान का सामान्य ज्ञान आएगा, और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम है, जो प्रोफेसर के एग्जाम है उनके लिए है, इसके लिए स्कूल व्याख्याता की, इसके साथ साथ में जो सेकंड ग्रेड के अंतर्गत विशेषकर जो उच्च माध्यमिक
उच्च माध्यमिक स्तर के जो क्या हैं, माध्यमिक, सॉरी ये उच्च माध्यमिक तो स्कूल व्याख्यात आ गया, लेकिन सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो माध्यमिक स्तर के, मतलब दसवीं तक, और ये है बारहवीं तक, और ये है फर्स्ट ईयर से एमए तक, एमए एमएससी इनके लिए सब तक, एमए एमएससी एमकॉम इनके लिए ये उपयोगी, जिस सेवा के लिए, जो ये सिलेबस जिसके लिए उपयोगी है उसके संदर्भ में, शिक्षक भर्ती की समस्त भर्तियां होगी उसके अंतर्गत, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत उपयोगी, जिनके अंतर्गत जैसे रीट है उसके लिए, फर्स्ट लेवल के लिए, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए, इन दोनों के लिए उपयोगी है। तो एक तो शिक्षक भर्ती हो गई, तो एक एक नंबर पर शिक्षक है, दो नंबर पर आपने देखा है कि और सामान्य जो अधीनस्थ बोर्ड की, जिनके अंतर्गत क्या करती है आरपीएससी और अधीनस्थ, आरपीएससी आरपीएससी और अधीनस्थ, अधीनस्थ जो बोर्ड कराता है एग्जाम, अधीनस्थ बोर्ड जो परीक्षाएं कराता है उसके लिए उपयोगी है। जो ये सिलेबस किसके लिए उपयोगी रहेगा, इसके लिए, शिक्षक भर्ती के साथ साथ आप देख सकते हैं। अब यहां तक हमने इसके अंतर्गत जो एक नंबर पर, दो नंबर पर ये जो लिपिक, मतलब एलडीसी की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए भी सामान्य ज्ञान है। एलडीसी के लिए कोई भी जो है, जैसे न्याय न्याय जो हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, हाई कोर्ट इसकी जो जो वैकेंसी है उसके लिए, इसके लिए जो एलडीसी की जितनी भी परीक्षाएं होगी उनके लिए है। इसके साथ साथ मैं तीन नंबर पर आपको बता दें कि जो पुलिस की जो है, पुलिस के अंतर्गत जैसे एसआई, एसआई की परीक्षा है, कांस्टेबल एसआई, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये सिलेबस क्या रहेगा, उपयुक्त रहेगा। तो ये जो सिलेबस है किन किन परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से क्या रहता है, उपयोगी रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। इसके साथ साथ में जो परीक्षाएं आ रही हैं, कौन सी, जैसे वन विभाग की आ रही है, वन विभाग की परीक्षाएं आ रही हैं, न्याय विभाग की, तो हर प्रकार की परीक्षा के लिए राजस्थान के अंतर्गत जो कोई भी परीक्षा है उसके लिए ये जो, चाहे आरएस से लेकर लो तक की कोई भी परीक्षा है उसके लिए ये सिलेबस पूरी तरह से क्या है, उपयुक्त है। तो आप कोई भी छात्र, आपको इस सिलेबस के अंतर्गत राजस्थान के संदर्भ में आपको विशेष रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। तो विशेषकर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो आयोजित जो परीक्षाएं होती हैं उसके संदर्भ के अंतर्गत ये विशेषकर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कोई भी किसी भी श्रेणी से जुड़ा हुआ कोई विद्यार्थी है तो इस सिलेबस के आधार पर वो अपनी सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ के अंतर्गत क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। इसके अलावा हम इसके आगे के एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत हम देखेंगे। तो विशेषकर ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका एक आधार है, राजस्थान का आधार, तो आप इस परीक्षाओं के संदर्भ के अंतर्गत इस सिलेबस का आप उपयुक्त फायदा उठा सकते हैं। और विशेष रूप से ये सिलेबस और इन परीक्षाओं में किन किस परीक्षाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, राजस्थान के संदर्भ में कोई भी जो परीक्षा होती है, जो राजस्थान उसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसके अंतर्गत राजस्थान का जो प्रशासनिक और जो राजनीतिक जो ढांचा आएगा वो एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो इसको आवश्यक मानते हुए आप उसको, इस सिलेबस को उपयोगी मान सकते हैं।
आज हम सिलेबस के संदर्भ में और उपयोगी परीक्षाओं के बारे में हमने बातचीत की है। अगला जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो आपको इस टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक पर आपको विशेष जानकारी निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। आप बेहतरीन तरीके से इस महाविद्यालय के अंदर श्याम महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में आप अपनी महत्वपूर्ण रूप से तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।